अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। तो आज हम बात करेंगे, दो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, 23 मार्च को और 24 मार्च को। 23 मार्च को इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ली और 24 मार्च का जो दिन है वो मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापसी का दिन करार पाया है। तो लोग बात कर रहे हैं कि इमाद वसीम को ने गलत टाइम पर ले लिया है और अराफात मिनास और जो मेहरान मुमताज़ हैं उनके लिए जगह बनानी चाहिए थी, उनके लिए क्या प्लान्स हैं। मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापसी लेके बड़ा गलत फ़ैसला किया है और इमाद वसीम ने बोर्ड को ब्लैकमेल किया है। कुछ जो है कुछ जो जो एनालिस्ट हैं वो ये भी बात कर रहे हैं। तो भाई आप मुझे एक बात बताएं कि मेहरान मुमताज़ और इमाद वसीम का क्या कंपैरिजन बनता है? एक बात बताएं कि एलिमिनेटर वन एलिमिनेट और क्वालिफायर और जो है फाइनल में तीनों में मैन ऑफ द मैच करार पाए इमाद वसीम और मेहरान मुमताज़ जो है सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग से थोड़ा सा इंस्पायर किया है। तो भाई बच्चे को थोड़ा मौका देने दो, अभी अभी थोड़ा सा टाइम है उसके पास, काफ़ी टाइम है, वो जाए डोमेस्टिक में परफॉर्म करे। एक टाइम था जब हम इमाद वसीम को देखा करते थे कि जो नेशनल T20 कप हुआ करता था उसमें परफॉर्मेंस होती थी और हम फ्यूचर का कैप्टन देखते थे इमाद वसीम को, और लोग कह रहे हैं कि उसने ब्लैकमेल किया है। और चलें मौका दे के देखें, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और हमें एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। CPL इमाद वसीम ने वहाँ बड़ा अच्छा खेल कर आए और USA में होने जा रहा है, तो थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस को प्रेफर देना चाहिए। मेहरान मुमताज़ और जो अराफात मिनास है वो आगे भी खेल लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई अगर उनको मौका नहीं दिया इमाद वसीम को मौका दे दिया। और बात करते हैं कि पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन की, मोहम्मद आमिर ने भाई रिटायरमेंट वापस ले ली, बड़े पाकिस्तान को जो है ना वो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े बॉलर जो हैं वो आजकल जब से आमिर की रिटायरमेंट उसने लिया उसके बाद से, मुझे बताएं ना कौन सा रिनाउन बॉलर है जिसको आप समझते हैं कि जो रिलायबल है? मोहम्मद हसनैन उसी परफॉर्मेंस आपके सामने, 150 की स्पीड है, ना कोई परफॉर्मेंस दिए PSL में, ना कोई खास कारकर्दगी। मोहम्मद वसीम जूनियर हाँ 50 ओवर वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज आए जहाँ पे सारे जो बॉलर थे वो उनको मुंह की खानी पड़ रही थी, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर ने बड़ा अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया। उसके बाद अगर हम बात करें, हारिस रऊफ आपका इंजर्ड है, उसके अलावा आप एहसानुल्लाह की बात करें, वो भी एक नया लड़का, एक नया एनर्जेटिक लड़का, तो भाई दोनों का मौका देख के देखते हैं। और आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही, पता है न्यूजीलैंड की सीरीज़ में जो है वो बी और सी टीम भेजेंगे क्योंकि केन विलियमसन, टेंट बोर्ड, ये सारे लोग जो हैं वो IPL में मसरूफ़ हैं। और थोड़ा सा मैंने कहा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें थोड़ा सा लोगों को कंपेयर करके दिखाया जाए कि भाई इमाद वसीम का कंपैरिजन अराफात मिनाज और मेहरान मुमताज़ से किया जा रहा है। बड़ा अफसोस की बात है कि सीनियर एनालिस्ट कर रहे हैं कि इमाद वसीम ने ब्लैकमेल किया है बोर्ड को और ये मामला था। उसके अलावा मोहम्मद आमिर को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो भाई दोनों को मौका देके देखते हैं, लेट्स सी कि T20 वर्ल्ड कप में क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो ये वापस रिटायरमेंट पर चले जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो यही होता रहता भाई, रिटायरमेंट वापस लो और खेलो, अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं रही तो वापस रिटायरमेंट पे चले जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।